लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शेख रशीद ने अपने मखसूस अंदाज में खुल्लम खुल्ला बयानात दिए, परवेज मुशर्रफ केस और तालिबान से मुजाकरात के अहम मामलात पर अपनी राय का इजहार कुछ यूं किया। फौज 100% मुशर्रफ के पीछे खड़ी है, फौज समझा सकती है। ये उसी हकीम से दवा लेना चाहते हैं जिस हकीम की फकी से इनको फका पड़ा था। रोज कह रहा हूँ कि ये साल नवाज शरीफ साहब के लिए अहम है। शेख रशीद कनाडा जाने से रोके जाने पर भी हुकूमत से खासे नाराज नजर आए और मुतालबा किया कि इस मामले पर अमेरिका से भरपूर एहतजाज किया जाए। फॉरेन ऑफिस में ऐसे सियासी हिजड़े और ऐसे सियासी मिरासी बैठे हुए हैं जिनमें कोई जुर्रत इजहार नहीं है। अभी तक गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया जी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा ने पेशीन गोई की कि बहुत जल्द खुली जंग होने वाली है और 1 अप्रैल के बाद अहम फैसले होंगे। कैमरामैन अली मूसा के साथ सीशान बख्श, दुनिया न्यूज़, लाहौर।